हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका ट्यूटर मिस्टर विष्णु हाजिर हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सनराइज प्रोडक्शन में और सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हो, हमारा 13.1 कंप्लीट के बाद हम लेके आए हैं सेकंड वीडियो, थर्ड पार्ट सॉरी, एक्सरसाइज 13.2, जिसमें आपके पास शेप रहेगी बेटा सिलेंडर। तो सिलेंडर में आपके पास ये रेडियस है ये, और ये आपके पास क्या है हाइट। तो इसमें बेटा यदि हम इस शीट को वर्टेक्स के अलोंग यदि कट करके इसको ओपन करें तो ये आपके पास कैसी शीट बन जाएगी, ये आपके पास रेक्टेंगुलर शीट बन जाएगी। एंड एरिया क्या आएगा इसका, इसका आपके पास एरिया आएगा लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड। और यदि इसको सर्कुलर कर देंगे वापिस इसमें तो लेंथ किसके इक्वल आएगी, सर्कमफ्रेंस के इक्वल, दैट इज 2πr। और ब्रेड जो है वो आपकी क्या बन जाती है, यहां यहां आपकी हाइट बन जाती है। तो ये आता है इसका 2πrh, यानी ये क्या होगा कर्व सरफेस एरिया 2πrh। टोटल सरफेस एरिया भी कर्व सरफेस में हम क्या करते हैं, कर्व सरफेस में सी एस ए प्लस टॉप एरिया प्लस बेस एरिया। भी टॉप का यानी 2πrh, टॉप का एरिया पाई आर स्क्वायर, बेस का एरिया पाई आर स्क्वायर। भी 2πr तो कॉमन आएगा, यहां से रह जाएगा h, और हाउ मैनी पाई आर स्क्वायर, कितना पाई आर स्क्वायर, 2πr2। तो एक सिंगल आर है लगे, ये आपका हो जाता है टोटल सरफेस एरिया। ये कर्व सरफेस एरिया, ये आपका टोटल सरफेस एरिया, और नंबर थर्ड आपका आएगा वॉल्यूम। वॉल्यूम में आएगा आपके पास पाई आर स्क्वायर एच। ओके, तो हमारा इस पे बेटा सभी चैनल को सब्सक्राइब बेल आइकन प्रेस करें ताकि हर न्यू वीडियो की अपडेट आपके पास सबसे पहले। क्वेश्चन नंबर 1 है बेटा, ये कहता है कि कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर हुज हाइट इज 14 सेंटीमीटर इज 88 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड इट्स डायमीटर ऑफ द बेस। कहते हैं एक कर्व सरफेस एरिया सिलेंडर का है 88, जिसकी आपको हाइट क्या बता रखी है 14, आपको रेडियस निकालना है अकॉर्डिंग विद टू क्वेश्चन विद 2πrh। कितना है आपका 88 सेंटीमीटर स्क्वायर, भी हाइट की वैल्यू आपके पास 2, पाई क्या है 22/7। जब तक आपको क्वेश्चन में नहीं कहा जाता है हम पाई को क्या पुट करेंगे, 22/7 इज इक्वल टू 88। रेडियस क्या आएगा 88 मल्टीप्लाई 7, एंड बाई में क्या जाएगा आपका 2 × 22 × 14। तो 22 4 जा एंड 4 से आपका सॉरी 7 × 7 = 14 एंड 2 × 4 भी, एंड 2 से आपका 2 कैंसिल, रेडियस आपके पास क्या आ जाती है 1 सेंटीमीटर, या तो मीटर है या सेंटीमीटर वो ही आ जाएगी बेटा आपके पास है। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है इसका डायमीटर, देयरफॉर डायमीटर क्या आएगा 2 × r यानी 2 × 1 दैट इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 2 है बेटा, कहता है कि क्लोज सिलिंड्रिकल टैंक बनाना है जिसकी हाइट क्या रखनी है आपको 1 मीटर, और इसका डायमीटर कितना है 140 सेंटीमीटर, और ये मेटल शीट से बना हुआ है। आपको कहता है कैसा है ये आपका क्लोज है, इट मीन्स आपको क्या निकालना है टोटल सरफेस एरिया निकालना है, क्योंकि बेस और टॉप दोनों का एरिया आपको काउंट करना है, एड करना है इसमें। कहते हैं कितनी शीट लगेगी इसको बनाने में, और जो शीट की वैल्यू हो आपको स्क्वायर मीटर में बतानी है। ठीक है, तो नाउ क्या करें, नाउ टोटल सरफेस एरिया ऑफ टैंक इज इक्वल टू 2πr × r + h। विद 2 पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस आपकी क्या आएगी, रेडियस आएगी हमारी 140/2 दैट इज इक्वल टू 70 सेंटीमीटर, 70 और रेडियस वही 70, हाइट आपकी 1 मीटर है, इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं 100 सेंटीमीटर। 7 से 10 बेटा, यहां से आएगा 22 × 44 = 0, और यहां से क्या आएगा 170, दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 00 सेंटीमीटर स्क्वायर, लेकिन ये एरिया आपको जो शीट का स्क्वायर मीटर में बताना है। नाउ रिक्वायर्ड शीट इन स्क्वायर मीटर, क्या करें इसको हम, इसको 10,000 से क्या करते हैं, इसको 10,000 से डिवाइड,
तो ये आएगा 7.48 मीटर स्क्वायर रिक्वायर्ड शीट टू मेटल शीट टू मेक दिस क्लोज। थर्ड बेटा मोस्ट इंपोर्टेंट है, कहते भी एक मेटलिक पाइप इज 77 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड इनर डायमीटर ऑफ क्रॉस सेक्शन इज, अंदर का जो डायमीटर है वो है 4 सेंटीमीटर एंड जो आउटर डायमीटर है वो है 4.4 सेंटीमीटर। फिर कहते हैं फाइंड द इनर कर्व सरफेस एरिया, आउटर कर्व सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया। तो अभी जो आपके पास आउटर रेडियस है वो आपके पास क्या हो जाएगी, 4.4 डिवाइड बाय 2 दैट इज इक्वल टू 2.2। इनर रेडियस क्या हो जाएगी, 4/2 दैट इज 2, और हाइट दोनों में सेम रहेगी। ओके तो फर्स्ट आपके पास क्या है, फर्स्ट हमारे पास इनर कर्व सरफेस एरिया, इनर कर्व सरफेस एरिया, और ये आइडेंटिटी क्या है 2π, और इनर में रेडियस हमारे पास क्या है r, h दोनों में सेम है, ये 2π की वैल्यू क्या आएगी 22/7। रेडियस आपके पास इनर में क्या है 2 है, और हाइट क्या आपके पास 77। इधर से हमने क्या किया, डिवाइड ये 11 पे और मल्टीप्लाई 968 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप क्या निकाले भी, आप निकाले हम आउटर कार्ड सरफेस एरिया, आइडेंटिटी में कोई चेंज नहीं आएगा बट रेडियस चेंज हो जाएगी आपकी। आउटर में रेडियस क्या है कैपिटल आर है, और 2π आपके पास 22/7, रेडियस आपके पास 2.2, डेसिमल हटाएंगे तो बाई में क्या आएगा 10, हाइट क्या है 77, 7 से आपके पास 11, सिंपलीफाई करते हैं 1064.8 सेंटीमीटर स्क्वायर भी। ओके अब कहते हैं टोटल सरफेस एरिया, बेटा टोटल सरफेस एरिया के लिए आपको क्या करना है भाई, व्हाट डू यू मीन बाय सरफेस, दैट पार्ट ऑफ एन ऑब्जेक्ट दैट कैन फील बाय अस, जिसको हम स्पर्श कर सकते हैं, टच कर सकते हैं, जिसको हम महसूस कर सकते हैं। तो इसके अंदर हाथ देके भी टच कर सकते हैं, बाहर हाथ देके बाहर से भी, और जो कॉर्नर है वो ठीक है, इसकी मोटाई बताएगी है भाई, आउटर रेडियस में से इनर रेडियस माइनस कर देते इसकी थिकनेस आ जाती है। तो अब निकालते हैं दोनों क्रॉस सेक्शन, एक बेस में है क्रॉस सेक्शन और एक टॉप में है। नाउ एरिया ऑफ टू क्रॉस सेक्शन, नाउ एरिया ऑफ टू क्रॉस सेक्शन या एरिया ऑफ बेस एंड टॉप, भाई एक का एरिया निकालो और दो से मल्टीप्लाई कर दो। ये सर्कल है, सर्कल का एरिया क्या है पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। बेटा यहां आपको ध्यान रखना है कि आउटर रेडियस के स्क्वायर में से इनर रेडियस का स्क्वायर माइनस कर रहा है, टेंथ में भी आपके पास सेम एज टाइप आएगी, ठीक है। डायरेक्ट रेडियस से रेडियस माइनस नहीं करना है, स्क्वायर से भी पाई आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, स्मॉल आर स्क्वायर, या आउटर एरिया यानी पाई आर स्क्वायर माइनस इनर एरिया पाई आर स्क्वायर। टू क्यों किया है, क्योंकि वन और वन ऐसे कितने एरिया अपने पास दो है, तो ये वैल्यू क्या आएगी 22/7, रेडियस आपके पास क्या है 2.2 का होल स्क्वायर, और स्मॉल क्या है 2 का होल स्क्वायर। इसको सिंपलीफाई करते हैं तो यहां से वैल्यू आएगी 2 × 22/7 मल्टीप्लाई ये होता है 4.84 484 और इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो वैल्यू क्या आएगी 5.28 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आपको बताना है कि टोटल सरफेस एरिया क्या है, विद टोटल सरफेस एरिया इनर का इनर सरफेस एरिया इनर प्लस आउटर प्लस क्रॉस सेक्शन सभी को ऐड करते हैं, ये है 968, ये है 1064.8 और ये है 5.28 आएगी 2038.08 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके तो ये आपके पास आ जाएगा टोटल सरफेस एरिया, ये कौन सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर थर्ड। अब हम इसी में अप्लाई करते हैं क्वेश्चन नंबर फोर, क्वेश्चन नंबर फोर। फोर बेटा क्वेश्चन नंबर जो फोर है वो ये कहता है एक डायमीटर ऑफ ए रोलर इज 84, भी डायमीटर रोलर ऐसा ही है तो रेडियस क्या हो जाएगी आपके पास, रेडियस हो जाएगी 84 डिवाइड बाय 2 यानी 42 सेंटीमीटर।
अब हाइट कहता है 1 मीटर है इसकी, कितनी है, सॉरी 1 मीटर नहीं है बेटा, लेंथ इज 120, यानी हाइट क्या बन जाएगी 120 सेंटीमीटर। अब कहता है मीन इट टेक्स 500 कंप्लीट रिवॉल्यूशन टू मूव वन लेवल टू ए प्लेग्राउंड, एक प्लेग्राउंड को लेवल करने में, समतल करने में 500 रिवॉल्यूशन लगाता है। व्हाट इज द एरिया ऑफ प्लेग्राउंड इन मीटर स्क्वायर, पहले सेंटीमीटर में है, मीटर स्क्वायर में बताना है। तो भी एरिया ऑफ वन राउंड क्या होगा, एरिया ऑफ वन राउंड, भाई इस शीट को ओपन करेंगे, ये जो आपके पास सिलेंडर है ऐसा, ठीक है, ओपन करेंगे तो आपके पास क्या बन जाएगी, शीट बन जाएगी, ओके, यानी किसके इक्वल होएगा, रन राउंड इक्वल टू सी एस ए ऑफ रोलर, सी एस ए ऑफ रोलर, और सी एस ए क्या है, अभी 2 पाई आर एच, 2 पाई की वैल्यू क्या है 22/7, रेडियस आपके पास क्या है 42, हाइट क्या है 120, और यहां से सिंप्लीफाई करेंगे तो वैल्यू आपके पास आ जाती है 31,680 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब तो कितने राउंड लगाए हैं, देयरफॉर एरिया इन 500 राउंड, लेकिन उसने तो 500 चक्कर लगाए हैं और ये एरिया आपके पास 1 राउंड का है, तो 500 में क्या हो जाएगा, 500 मल्टीप्लाई 31,680, ये वैल्यू किस में आएगी आपकी, सेंटीमीटर स्क्वायर में, हमें किस में आंसर देना है, मीटर स्क्वायर में, तो इसमें किससे डिवाइड कर दें, हम 10,000 से डिवाइड कर दें, 1, 1, 2 से 2, 5, 2 जा 2 से कैंसिल आउट कर दो, 2, 1 जा एंड 2, 5 जा 2, 8 जा 16 एंड 2, 4 जा, यानी क्या हो जाएगा 1,584 मीटर स्क्वायर। तो उस ग्राउंड को लेवल करने के लिए जितना 500 राउंड लगाए हैं तो कितना एरिया लेवल किया उसने, 1,584 मीटर स्क्वायर। फिर से बेटा, एक सिलेंड्रिकल पिलर है, पिलर 50 सेंटीमीटर इन डायमीटर, तो रेडियस क्या हो जाएगी, रेडियस हो जाएगी 50 / 2, यानी 25 सेंटीमीटर, एंड हाइट कहता है, हाइट है इसकी 3.5 मीटर, ठीक है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग, रेट क्या है, रेट है आपके पास 12.50 पर मीटर स्क्वायर। फिर कहता है इसको, इस पिलर को पेंट कराना है, तो पेंट कराना है इसका भारी सा पेंट होएगा, भारी हिस्से से मीनिंग ऐसा सरफेस, कौन सा सरफेस, कार्ड सरफेस, टोटल नहीं, क्योंकि ये वाला और ये वाला पोर्शन तो फिक्स है, ओके, तो कार्ड सरफेस पेंट होगा इसका, यानी आपको बताना है रेट, टोटल कॉस्ट ऑफ पेंटिंग, टोटल कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द पिलर इज इक्वल टू रेट मल्टीप्लाई सी एस ए ऑफ ए पिलर, यानी रेट को सी एस ए से मल्टीप्लाई करते हैं, रेट क्या है 12.50 डेसिमल टेंथ बाई में 100 2 पाई आर एच, ये एज इट इज ये कैंसिल कर दो, ठीक है, 125/10 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 22/7 रेडियस, रेडियस आपकी सेंटीमीटर में, मीटर में कन्वर्ट करो, 25/100 हाइट क्या है 3.5 को हम हटाएंगे तो बाई में क्या आएगा 10 आएगा, 25/4 जा 2, 2 जा 2 से 11, 7, 5 जा 35, ओके, एंड 5, 2 जा 10, ठीक है, तो ये वैल्यू आपके पास आ जाती है 5, 2 जा एंड 5 से 25, ये वैल्यू आपके पास आ गई है 25 × 11 एंड बाई 4, इसको हम सोल्व करेंगे, तो वैल्यू क्या आएगी 68.75 रुपीज इस पिलर को पेंट कराने का खर्चा आएगा आपका, ओके। क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन 6 कहता है कर्ड सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर है, तो कर्ड सरफेस एरिया गिवन है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन,
कार्ड सरफेस एरिया क्या है आपके पास, ये है 4.4 मीटर स्क्वायर। ये वैल्यू किसकी है, 2 पाई आर एच की वैल्यू है 4.4। आगे समझ में। अब कहता है आपको इफ द रेडियस ऑफ द बेस इज 0.7, जहां रेडियस क्या गिवन है आपको, कैपिटल आर राइट कर लो, 0.7 मीटर। फिर कहता है हाइट निकालनी है आपको सिलेंडर की, क्या निकालनी है हाइट। अब यहाँ वैल्यू पुट करो तो 2 × π की वैल्यू क्या है 22/7, रेडियस क्या है 0.7 यानी 7/10, हाइट हमें फाइंड आउट करनी है। इसका पाई में क्या आएगा 10, 10 से 10 आप कैंसिल आउट कर सकते हो, डिनोमिनेटर सेम है। अब एच की वैल्यू निकालो, एच इज इक्वल टू 44, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में जाएगा मल्टीप्लाई में और ये डिवाइड में जाएगा 2 × 22 × 7, 44 × 44 = 7 × 7 यानी हाइट आपके पास क्या आ जाएगी, हाइट आएगी 7 बेटा। यही है क्वेश्चन नंबर 6 सेम एज इट इज। क्वेश्चन नंबर 8 में भी आपको कर्व सरफेस एरिया ही निकालना है। क्वेश्चन नंबर 9 है वेरी इंपॉर्टेंट, जो हमने प्रीवियस एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 7 अटेम्प्ट किया था, जिसमें मार्जिन था शांति ने क्या किया था, दो टाइप के बॉक्स बनाए थे, सेम वही टाइप है, लेकिन उसमें आपके पास टोटल पे 5% ओवरलैपिंग था, इसमें शीट का 1/12 है, तो इसमें शीट को आपको मानना पड़ेगा। तो यहां कहता है एक वाटर फाइंड द लैटरल कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए क्लोज्ड सिलिंड्रिकल पेट्रोल स्टोरेज टैंक, लैटरल निकालना फर्स्ट पार्ट में, दैट इज 4.2 मीटर इन डायमीटर। तो रेडियस क्या हो जाएगा आपके पास, रेडियस हो जाएगा 4.2 / 2 यानी 2.1 मीटर। हाइट आपके पास हो जाएगी भी, हाइट है 4.5 मीटर ये हाइट। फिर कहते हैं ये क्लोज्ड है, इसका आपको लैटरल सरफेस एरिया निकाला फर्स्ट में, तो फर्स्ट में क्या हो जाएगा सी एस ए, ये आएगा 2 πr h, सी एस ए और एल एस ए का मीनिंग सेम है, 2 π की वैल्यू आपके पास 22/7, रेडियस है आपके पास 21/10 डेसिमल हटाएंगे तो, और ये है 45/10, सिंपलीफाई कर लो इसको 5.4 मीटर स्क्वायर आपके पास लैटरल सरफेस एरिया आ जाएगा। सेकंड में कहता है हाउ मच स्टील वाज एक्चुअली यूज्ड इफ 1/12, अब इसने बताया कैसा था, ये क्लोज था, तो अब हमें क्या निकालना है इसका टोटल सरफेस एरिया, क्या निकालना है टोटल सरफेस, टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए टैंक, ये आपके पास क्या आएगा 2 πr × r + h, 2 π की वैल्यू क्या है 22/7, रेडियस 21/10, ओके रेडियस वही 21/10 और हाइट आपके पास 45/10। तो यहां से वैल्यू आएगी आपके पास 46 × 132/10 और यहां है आपके पास 66/10 और सिंपलीफाई करेंगे 87.12 मीटर स्क्वायर, ये वैल्यू क्या आ जाएगी 87.12 मीटर स्क्वायर। इट इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टैंक, जिसमें बेस को और टॉप को हमने दोनों को ऐड कर दिया है, ओके। अब आपके पास कहता है एक्चुअली शीट इसमें कितनी लगी है, जहां पे बेस कितनी हो जाती है 1/12, लेट मान लेते हैं लेट एक्चुअल शीट, लेट एक्चुअल शीट यूज्ड एक्स मीटर स्क्वायर, वेस्ट कितनी होती है, वेस्ट एक्चुअली मत लिखो बेटा, लेट शीट यूज्ड, लेट शीट यूज्ड कितनी शीट यूज हुई है एक्स मीटर स्क्वायर, वेस्ट कितनी होती है 1/12 ऑफ टोटल टोटल, देयरफॉर एक्चुअल में यूज कितनी हुई है, एक्चुअली यूज्ड एक्चुअली यूज्ड हुई है अभी टोटल में से 1/12 माइनस कर दो 1/12 ऑफ टोटल, यानी टोटल में क्या है आपके पास है एक्स, यानी ये कितनी है आपके पास है एक्स बाई 12, तो 12 ऐसे मिलेंगे दिया जाएगा 12x − x/12 यानी 11/12 x शीट आपकी यूज हुई है। क्वेश्चन ये किसके इक्वल है, ये टोटल सरफेस एरिया के इक्वल है, ठीक है, यानी 11/12 x इज इक्वल टू 87.12
और x की वैल्यू क्या आएगी, x इज इक्वल टू 87.12 डिवाइड बाय 11 एंड मल्टीप्लाई 12, और इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, 11 7 जा ओके एंड 11.119 जा एंड 11 2 जा एंड ये वैल्यू 7.92 मल्टीप्लाई 12 ये हो जाएगा 95.04 मीटर स्क्वायर इज द एक्चुअली यूज्ड सीट। इसको क्लोज टैंक को बनाने में इतनी सीट यूज हुई है। दोबारा फिर से बताते हैं, कर्ण सर्फेस एरिया निकालना था बेटा इसका, फिर कहता है भी 1/12 जो सीट है वो वेस्ट हो जाती है इसको बनाने में, जैसे कार्डबोर्ड में हमने डिब्बे बनाए थे कल प्रीवियस एक्सरसाइज में, तो उसी प्रकार से इसका शीट का 1/12 वेस्ट हो जाता है। तो इसके लिए पहले ये निकालें इस टैंक को बनाने में शीट लगी हुई एक्चुअल में कितनी है, तो टोटल सरफेस निकाला है कितनी लगी हुई है। अब कहते हैं लेट हमने जो शीट इसके अंदर लगी है वो x मीटर स्क्वायर लगी है और वेस्ट कितना हो जाता है इस टोटल का 1/12 यानी x 1/12 ऑफ टोटल यानी x यानी x 1/12 वेस्ट हो जाता है। तो यूज कितना होता है, तो एक्चुअल में यूज कितनी हुई है, जितनी टोटल थी उसमें से वेस्ट माइनस कर दो वो यूज हुई है, तो टोटल एक्सपी वेस्ट एक्स बाय 12 है माइनस 11/12 एक्स मीटर स्क्वायर यूज हुई है, ये आपके पास टोटल सरफेस एरिया के इक्वल है ओके। तो ये आपके पास आ जाती है इतनी सीट। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिल्कुल सेम एज इट इज है, एक सिलेंडर है कोई कंटेनर बना गया ठीक है, इसका जो डायमीटर है वो आपके पास कितना है, क्वेश्चन नंबर 10 में डायमीटर आपके पास है 20 सेंटीमीटर और रेडियस क्या हो जाएगी आपके पास 10 सेंटीमीटर, हाइट है इसकी 30 सेंटीमीटर। अब कहता है इसके ऊपर एक लेवल चिपकाना है और उस लेवल को कंप्लीट क्या किया गया है, 2.5 मार्जिन ऊपर छोड़ा गया है और 2.5 नीचे छोड़ा गया है अभी ठीक है, मतलब इसको अंदर फोल्ड कर देते हैं इसको ओके। तो अभी टोटल हाइट क्या हो जाएगी विद मार्जिन, विद मार्जिन हाइट ये हो जाएगी 30 + 2.5 + 2.5 यानी 35 सेंटीमीटर। अब कहते हैं कितना इसके अंदर जो लेवल लगा हुआ है उसका एरिया बताना है, तो एरिया और लेवल क्या आएगा इज इक्वल टू सी एस ए यानी 2πRh ओके, 2π की वैल्यू 22/7 रेडियस आपके पास 10 और हाइट आपके पास कितनी हो जाएगी 35। और क्वेश्चन नंबर 11 भी आपको ही करना है ओके। तो बेटा ये एक्सरसाइज आपकी 13 पॉइंट्स को सब्सक्राइब बेल आइकन प्रेस करें ताकि हर न्यू वीडियो का अपडेट आपके पास सबसे पहले आए ओके। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।